अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर एट सिल्वर एग्रो एंड लाइफ स्टॉक फार्म। दिस इज़ रन बाय अबू बकर भाई। आपके सामने उनका नंबर है, फार्म का नाम एंड ऑल्सो द एड्रेस। दिस फार्म इज़ लोकेटेड इन भिवंडी। ये जो पूरा सीरीज़ होने वाला है, ये सिर्फ बकरे ख़रीदना बेचना पलाई से काफ़ी ऊपर होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द गोट फार्मिंग कॉन्सेप्ट। सो आए हम लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबू बकर भाई के साथ काफ़ी सारी बातें होंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द अदर वीडियोज़ विच आर कमिंग टू योर वे इन द कमिंग वीक। थैंक यू सो मच एंड वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अबू बकर भाई, आपसे माशाल्लाह सेकंड टाइम मुलाकात हो रही है जी। आपको मैंने वीडियोस में देखा है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। सो प्लीज़ आपके फार्म के बारे में बताएं, हम लोग कहाँ पर है इस बारे में बताएं। ये हम लोग इस वक्त खड़े हैं पड़गा के आगे, राहुल विलेज है। जैसा अभी आप नासिक के लिए जाते हैं तो पड़गा टोल नाका आता है, पड़गा टोल नाका क्रॉस करेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद है ना, लेफ्ट साइड के लिए एडिलाइट के लिए रास्ता कटता है जी। वो बोरीवली गांव के लिए, तो वहां से नेट 3 किलोमीटर जब हम अंदर आएंगे तो ये राहुल विलेज पड़ता है। ये राहुल विलेज है, बस यहीं पर लोकेटेड हमारा फार्म है। हाँ, एंड ये फार्म आप कब से चला रहे हैं? ये फार्म तो तकरीबन मेरा यहाँ पर 3रा साल है खुद का इस्टेब्लिश करके, बाकी 2013 से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ना भाई? बस जो अल्लाह ने सिखा दिया इसमें, ने समझो ऐसा कोई है नहीं, जो सीख लिए अपने हिसाब से तजुर्बे से। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा लेता हूँ जी, ताकि लोगों का आजू बाजू की बारे में मालूम पर हम लोग कहाँ पर है क्या है। हम लोग अंदर चलेंगे देन फार्म के, इंशाल्लाह बैठ के आराम से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जी। ये तरफ से घुमा। सो यहाँ पर आपके फार्म का एंट्रेंस है बेसिकली जी, यहाँ पे ये सामने कब्रिस्तान है जी, और इसी से लग के राहुल विलेज का मदरसा है। मदरसा वो सामने है ना? जी, ये सामने मदरसा है। एंड देन ये रोड है जहाँ हाँ ट्रक आ रहा है अभी जी, बेसिकली हमको यहीं से आना है जी। और ये गांव की मस्जिद है, पीछे मीनार दिख रहे होंगे जी। ये राहुल गांव की मस्जिद है। सो अभी हम लोग अंदर चलते हैं जी। दोस्तों हम लोग पहले बाड़े पे इस वक्त। सो अबू बकर भाई, ये कितने बकरे हैं टोटल अपने फार्म पे? अभी अपने पास तो टोटल 250 बकरे हैं, जिनमें से 40 बकरे जो है लोगों के पलाई के बकरे थे। ये पिछले साल लोगों ने लिया था 50, 55, 60, 65 किलो पे लिए थे वो, ये बकरे। सो बेसिकली ये पलाई के बकरे हैं, ये पूरा बाड़ा पलाई का, ये पूरा बुक है बाड़ा। हम लोग पलाई के बाड़े का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे ताकि हम जान पाए कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं एक साल में। क्वालिटी वाइज तो आप देख सकते हैं बकरे, तो लोगों ने आपसे ये बकरे परचेस किए थे? इसमें से अक्सर बकरे मेरे से लिए थे, कुछ बकरे लोगों ने बाहर से ला के दिए थे। इसमें 5 से 7 बकरे होंगे, जैसे मेवाती है, वो अजमेरी है, और वो जो खड़ा है गुजरी, ये लोगों ने बाहर से ला के दिए थे। इसमें और भी एक आध बकरे, 4-5 बकरे बाहर से आए हैं। ये बिल्ला लगा हुआ है, ये बाहर से आए थे। बाकी आप ले लेते हैं ना? मैं बकरा इसे 15-20 दिन पहले, और बकरा इसके 15-20 दिन बाद तक के, उसके बाद आप नहीं लेते? उसके बाद नहीं, क्योंकि बकरों को डिस्टर्ब होता है, ये होता है, बीमारियां होती हैं, ये होती है, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि भाई बकरे जो है इन तारीखों में आ जाएँ, उसके बाद हम अपने पलाई पर ध्यान देते हैं। फिर काफ़ी अच्छा रहता है ना, तो लोग कभी भी मुँह उठा के कि अभी मेरा बकरा रख लो, महीने पहले ये चलता रहता है। तो हम इसका अलग से एक वीडियो बना लेंगे ताकि हमको डिफरेंसेस मालूम पड़े एक साल में कितना गेन किया इन बकरों ने। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये सब अलग अलग बाड़े हैं, विल कम बैक टू इट। अभी हम लोग अंदर जाके विल स्टार्ट द इंटरव्यू। इधर से। तो दोस्तों वी आर जस्ट वॉकिंग थ्रू ऑल द बाड़ास नाउ, बट आपको ये सारे बकरे मैं दिखाएंगे हम लोग माशाल्लाह। काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं बकरे। भाई आई थिंक दिस आर लाइक बिगेस्ट गोट, सबसे बड़े बकरे हैं जी हमारे, बड़े बकरे सब माशाल्लाह।
सो ये फॉर सेल है अभी के? ये तकरीबन पिछले साल जो है ना हमने बेचा था, ये 80 किलो से लोगों ने लिया था, 80, 78, 82, 83 पे लिया था बकरा। इनमें दो बकरे ऐसे हैं जो हमारे पास बाहर से आए हुए हैं, बाकी टोटल ये बकरे हैं ना हमारे, हमने तकरीबन सब सेल आउट कर दिया है। ये एक बकरा हमारा बचा हुआ है, इसका वीडियो अलग से बना लेंगे। सो दिस इज़ लाइक प्रीटी गुड रिजल्ट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रिजल्ट। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है, व्हेन वी विल कम बैक टू इट, यू नो जैसे पलाई पे तो आप और भी जगह रख सकते हो एंड ऑल, क्या डिफरेंस है एज अ कस्टमर आज हम बात करेंगे। सो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो माशाल्लाह लाइक फर्स्ट व्यू मेरा तो काफ़ी बेहतर है आपके फार्म को लेके, एंड आपने बेसिकली कुर्बानी के लिए ही काम कर रहे हैं, राइट? जी, बेसिक कुर्बानी के लिए हम बेचते हैं बकरे, हम खुद तैयार करते हैं। राजस्थान में हमारा सेटअप है, हम वहाँ पे बच्चे लेते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, फिर उसको यहाँ पे लाते हैं, सेल करते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसी से, किसी किसान ने मेहनत किया हो, किसी ने मेहनत किया हो, महीना, दो महीने, तीन महीने पहले हम गए माल ले आए, उस पर फिर अपन और तैयारी करके बेचे। हम प्रॉपर बच्चे से लेके एंड तक के खुद पालते हैं बकरे। बेसिकली ब्रीडिंग सेटअप नहीं है? ब्रीडिंग सेटअप हम नहीं रखे, हमारे पास खुद की बकरियां हैं, सिलेक्टेड 15-20 होंगी, राजस्थान में पिपाड़ है वहां पे हमारी रखी हुई हैं, बस वही हम रखें। सो बेसिकली आप खरीद के देन बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हम 3 महीना 4 महीने के लेते हैं, उनको 1.5 साल 1.5 साल पालते हैं। तो ये बकरे इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना अक्सर, ये 4 दांत पे हैं, कुछ बकरे जो एकदम बड़े हो चुके हैं वो 6 दांत पे हैं, ये तकरीबन ऐसे हैं, 4 दांत पे पूरे बकरे तैयार है, 2 दांत और 4 दांत मेजर इसमें जो है, 4 दांत मैक्सिमम इसमें 4 दांत के हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर लोगों को आना है तो वो बकरा ईद के टाइम पे ही आके बाय करना पड़ेगा? साल भर ऐसा चलता है, लेकिन पूरा माल जो हमारा आता है ना रमज़ान से पहले आता है, हम सेल भी तकरीबन 5 जून से स्टार्ट किए हुए, तो इसके लिए अभी जो मेन आपको कुर्बानी के लिए लेना हो ना, बुक करना हो बकरा, तो आप आ जाएँ क्या बोलते हैं ये तारीख को, 5 जून के बाद आ जाएँ। हालाँकि साल भर भी लोग आते हैं, देखते हैं, लेते हैं, लेकिन हमारा कैसा रहता है, पलाई के बकरे यहाँ ज़्यादा रहते हैं, या हमको एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ते हैं। अब जो चीज़ हमको अगर राजस्थान में 10-12 रुपये पत्ती, मिसाल के 15 रुपये मिल रही है, वही पत्ती 5 रुपया ट्रांसपोर्ट देके हम यहाँ पे 20 रुपये में लाते हैं। अब ये 5 रुपये का बर्डन होता है, लेकिन ये 25% एक्सपेंसेस बकरों पे आ गया जी। दूसरा फिर लेबर कॉस्ट बढ़ गई इधर पे, तो ये सारी चीज़ अननेसेसरी जो होती है ना, ये बकरों पे आता है। आदमी जब बकरों पे आता है फिर उसके बाद उसकी कॉस्टिंग महंगी पड़ जाती है, फिर हम जब बाज़ार में बेचने निकलते हैं तो ये होता है कि भाई कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये कॉस्टिंग के हिसाब से भी थोड़ा सेट हो जाए। एक्चुअली हालांकि ये तो कुर्बानी का बकरा है, लेकिन हम शौक भी करते हैं, लेकिन हमारी ये शौक के चक्कर में ये होता है कि कुछ पैसे हमको बच भी जाएं और लोगों को यानी अच्छी चीज़ भी मिल जाए। एंड मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा सोजत बकरे ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं सोजत ही लेता हूँ, सोजत के ही बकरे लेता हूँ, मालवा 1-2 है मेरे पास, लेकिन पार्टियों के हैं, मैं नहीं ख़रीदता हूँ। असल में मेरी वहाँ पे पकड़ अच्छी है, मेरे को वहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी यानी मेरी समझ के, बाकी दूसरे इलाकों में मेरे को इतनी समझ नहीं है और इलाकों के लोगों से इतनी टच नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता उन इलाकों में। बेसिकली सारे बकरे काफ़ी अच्छे लगे, एंड हम लोग अभी थोड़ा सा बैठ के भी नेक्स्ट इंटरव्यू कर लेंगे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपका फार्म एक ओवरव्यू ले लिया आपके फार्म का, एंड मुझे तो लाइक सबसे मेन चीज़ जो लगी मैं बताना चाहूँगा वीडियो में, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, कोई स्मेल नहीं, यू नो लाइक एमिनिटीज़ के हिसाब से फार्म का वेंटिलेशन हो या बकरों के लिए काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट मुझे लगा बेसिकली। अब एज अ कस्टमर अगर मेरे को बकरे खरीदने हैं, सोजत के बकरे आई कैन बाय फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस ऑल्सो, आप मुझे कोई 3 ऐसी चीज़ें बताएं या आपके हिसाब से 3-4 जो भी है कि मैं आपसे बकरा खरीदूं, व्हाट आर द 3 मेन रीजंस? ये तो सवाल जो है ये तो ठीक है, सब पालते हैं, लेकिन जैसा मेन जो मसला है ना सबसे पहले आसिम भाई, कि बकरे कुर्बानी के ये अब कुर्बानी के लिए बकरे पालना अपनी जगह पे है कमर्शियल बेस पे, क्योंकि अब लोग कमर्शियल बेस पे पाल रहे हैं ऐसा बिज़नेस, लेकिन मेन पर्पस जो लोग खरीद रहे हैं वो कुर्बानी की निस्बत से ख़रीद रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी मशकूक मतलब शक वाली चीज़, जैसा मिसाल के तौर पे आज जैसा राशन की दुकानों पे गेहूं मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, एक्चुअली वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं गरीबों के लिए, 2 रुपया 3 रुपया वो राशन वाले 10 रुपया 12 15 रुपये में बेच देते हैं। इन ये सारी चीज़ को हम नहीं खिलाते क्योंकि ये गरीबों के लिए है, हम उसको लेके अपने कमर्शियल बिजनेस पे पर्पस पे यूज़ करें और फिर उसको आगे कुर्बानी के लिए प्रोवाइड करें। या कभी भी हम अभी हमारे आगे है ना 1 किलोमीटर आगे टोटल जंगल है जी। अगर हम चाहें
तो यहाँ से आदमी सेट कर लें, पत्ते तोड़ के ले आए और झाड़ से खिलाएं, हमारी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट की चीज़ है, हम खिला सकते हैं लेकिन ये जानवर कुर्बानी के, तो मेरी ताकत भर जितना भी है ना, मैंने कभी भी कोई ऐसी गलत चीज़ बकरों को कभी नहीं खिलाया। परचेस किया मंडी से आके, खुद खरीदा, किसान से खरीदा, ये खरीदा, वो चीज़ खिलाया, क्यों कि आगे बकरे कुर्बानी को जाने। एक मेन चीज़ तो मैंने, अब बाकी सब फार्म करते ही होंगे, मैं अपनी बात बता रहा, और दूसरा हमारे पास से कोई भी लेगा आज से लेके बुकिंग करने तक के बकरा, कि बकरा आदमी बुकिंग कर लिया, इस बीच में बकरा अगर मर भी जाता है ना, तो हम उसको अपने आप को जवाबदार मानते हैं कि भाई आपका बकरा मर गया। पिछले साल भी हमने यही बात बोला था, एक वीडियो चैनल के थ्रू दिया था, यही बात बोला था। तीन जन हमारे पास ऐसे आए थे कि भाई मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ और मैं हर साल 5,000, हर महीने 5,000 4,000 जमा करता हूँ और उसी से बकरे लेता हूँ। बोले पिछले साल ऐसा हुआ कि मेरा बकरा मर गया, एक फार्म पे मैंने रखा था, तो मेरा पूरा पैसा चला गया। बोले आपकी सबसे बड़ी बात यही लगी कि आप डिलीवरी तक के जो है, यानी मोर्टिलिटी की भी गारंटी दे कि भाई बकरा मर गया तो हमारी जिम्मेदारी में है, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, तो हम ये चीज़ करते हैं जी। और तीसरा ये है कि आप आज बुक करते हो, बारिश का महीना है, बकरे बारिश में, सब पालने वालों को और बकरे रखने सबको पता है कि बारिश में बकरे जो है वज़न तोड़ते हैं, अगर वज़न तोड़े भी नहीं तो गेन भी नहीं करते जी। अब 45 दिन बकरा इतको बाकी है, नॉर्मल बकरा जो है ना आज की तारीख में 80 रुपये का रोज़ का खाता है एक्सपेंसेस बकरों का, आदमी का, ये सारी चीज़ों का, क्योंकि हर आदमी फुल खिलाता है, कोई कमी नहीं करता है खाने पीने में, 80 रुपये का नॉर्मल, 80-90 रुपये का खर्चा आता है। अब ये सारी खर्चे अगर 45 दिन का जोड़ते हैं ना, हम 4,000 के करीब आता है, उसके सामने रिजल्ट बकरों का 2 से 3 किलो 4 किलो आएगा। तो आज अगर मैं किसी को बकरा बेचता हूँ और पैसे ले लेता हूँ, तो वो बाद वाला उसको 1,000 रुपया किलो पड़ता है, तो हम उससे वही कहते हैं कि भाई डिलीवरी वेट पे करो, बकरा माइनस भी हो जाए तो माइनस, प्लस भी हो जाए तो आपको भारी नहीं पड़े, आपका माल अच्छा तैयार हो तो आप भी खुश हो गए, मेरे को दोगे पैसे। सही। तो हम डिलीवरी वेट पे काम करते हैं, सौदा कर लेते हैं, भाव कर लेते हैं और डिलीवरी वेट पे हम अमाउंट पूरा ले लेते हैं, ये हमारे तरतीब है काम करने की। जैसे अगर मैं रिव्यू करूँ आपकी बातें का, पहला बात जो आपने बताई, लाइक आई कांट बिलीव, लाइक यू नो, लाइक आप इतना भी सोच रहे हैं कि आपका बकरा जो आप पाल रहे हो वो 1 रुपये का भी कुछ हराम की चीज़ ना खाए, जैसे कि पत्ते की बात की आपने जो गवर्नमेंट के रिलेटेड है या तो गेहूँ वगैरह की। सो आई एम वेरी मच प्लीज टू हियर दैट, मुझे बहुत खुशी हुई, ये मेरे लिए सेटिस्फाइंग है। सेकेंड, आपने कहा कि अगर मैं बकरा खरीद लेता हूँ एज अ कस्टमर, देन जब तक मैं डिलीवरी नहीं लूँगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बकरा खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाता है देन यू विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। सो भाई, लाइक बिकॉज हमको पूरा सीरीज बनाना है, सो हम सारे सवाल एक ही वीडियो में ना करेंगे, एंड मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा पूरी सीरीज बिल्कुल देखें, इनका रोज़ एक वीडियो आएगा एज पर द कन्वीनियंस। सो भाई मैं अलविदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में, एंड देन वी विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो, स्टार्ट करेंगे, आपके हर एक बकरे दिखाएंगे, पलाई के रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि आपको माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है एंड पीपल विल लर्न फ्रॉम यू। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। तो इजाज़त लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़।